हाथ में झंझनाहट होना। अगर आपके हाथ में 8 से 10 दिन हो गए हैं लगातार आपका पूरा हाथ झंझनाहट होती है इसमें या सुन्न पड़ जाता है, तो गलत तरीके से लेटने की वजह से हमारे कंधे के पीछे जो नस होती है वो दब जाती है, उसको दब जाने की वजह से जो ब्लड सप्लाई रुक जाती है, या ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो जो ब्लड हार्ड अपना पूरी क्रिया करता है, हार्ड ब्लड पहुंचाता है वहां तक, लेकिन नस दबी हुई है तो ब्लड पहुंचता नहीं है, फिर वो छोटे छोटे कार्टिलेज वहां पर बन जाते हैं जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम ये क्या करता है, ये यहाँ पर नस दबी हुई होती है वहाँ पर जो लिगामेंट और टिश्यूज होते हैं उनको ये धीरे धीरे डैमेज करने लगता है, और जब वो टिश्यूज और लिगामेंट डैमेज हो जाते हैं तो आपको पेन होना चालू हो जाता है। आपके शुरुआती में पेन नहीं होगा लेकिन 10 से 15 के दिन में बीच में पेन आपको होना चालू हो जाएगा 100%। पहले आपको केवल झंझनाहट होगी, फिर 15 या 20 दिन बाद आपको पेन होना चालू हो जाएगा। तो इसको नज़रअंदाज ना करें और इसको आप दिखाइए, इसका एक्स्रा करवाइए और इसको आप डॉक्टर को दिखाइए। और अगर आपका कम प्रॉब्लम है तो आप DFO जेल ले सकते हैं, उससे आप मालिश करवाइए और आपकी जो लिगामेंट और टिश्यू जो डैमेज हो चुके हैं उनको ये रिकवर करने का काम करता है DFO जेल, उससे आप मालिश कीजिए या आप गर्म पानी की सिकाई कीजिए। ये क्यों हो जाता है, इसके कई कारण हैं, जैसे कि गलत तरीके से लेटने की वजह से, ज़्यादा वजन उठाने की वजह से, शरीर में विटामिन B12 की कमी से, कम पानी पीने की वजह से, ज़्यादा देर बैठे रहने की वजह से, गलत तरीके से चलने की वजह से, ज़्यादा देर लेटने की वजह से, और बीपी बढ़ जाने की वजह से, शुगर ज़्यादा हो जाने की वजह से, थायराइड की वजह से, अंदरूनी चोट लगने की वजह से, गिर जाने की वजह की कमी से।